पता नहीं वो दोनों लड़के कहाँ चले गए और हम ये वरी डे रेफ पता नहीं किधर चले गए वो दोनों और हम कांटों के अंदर से निकलते हुए जा रहे हैं पता नहीं। गुड मॉर्निंग गाइज, आई सपोज दिस इज द फर्स्ट क्लिप ऑफ द डे एंड या हम तैयार हो रहे थे क्योंकि रात को मैसेज आया, मुझे सुबह पता चला कि आज दिन आने वाली है और ग्रुप कटना। ओह सॉरी, इससे पहले मैं क्लिप बनाई है, सो शायद मैं पहले अपलोड करूँगा कि हमें क्या करना है। हाँ, ग्रुप बनाने 25 के, तो सुबह से वही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, ये इस ग्रुप में, वो उस ग्रुप में, मैं नहीं जा रहा उस ग्रुप पे, इस ग्रुप पे ये है तो मैं नहीं होऊंगा, वो है तो मैं नहीं होऊंगा। और कुछ लड़कों को कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी कि दूसरे लोगों से, देयर वर फ्यू गर्ल्स जिनको पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं जाना क्योंकि पर्टिकुलर इंसान के वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो एनीवेज आई वाज आउट ऑफ दिस डिस्कशंस बिकॉज आई वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू माय थॉट्स कि मुझे किस ग्रुप पे जाना, कहाँ जाना, क्योंकि मुझे ऐसा कि मैं जहाँ से आया हूँ उन लोगों के बीच में तो जाना ही नहीं, क्योंकि इन लोगों के साथ खाओ, इन लोगों के साथ पियो, तो फिर सेम ग्रुप में जाओ वापस, पढ़ाई भी इनके साथ करो। तो इट्स बेटर फॉर मी कि मैं कुछ इन लोगों को, ऐसे लोगों को लूँ जिनका मेरे से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, जानता नहीं था, बेटर टू सेलेक्ट समवन बिकॉज यू वुड लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम देम इंस्टेड ऑफ बींग विद द सेम लोकल देसी पीपल। सो या आई सेलेक्टेड पीपल, आई एम इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ ईस्ट इंडियंस एंड या अभी दिन आने वाले में मैसेज आया, सो अब तैयार होके ये पहना है मैंने आज, तैयार होके हम बाहर आ गए हैं। और यस, अभी जा रहे हैं दिन के पास, बात तो क्या वो आएंगे, अब यहाँ खड़े हैं बाहर, सब लोग गैदर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो सी या गाइस, विल कैच यू विद इट। हम अभी मीटिंग से बाहर आ गए हैं, क्या करेंगे अभी? अभी जो पहले करते थे वही। ओ बेचारा बालीर का, बालीर का ग्रुप, जिस ग्रुप से रिजेक्ट होने के बाद इतना पीड़ा लेने के बाद उसी ग्रुप पे जाके मुंह मारा, दिखा अपना मुंह। सही है सही है। तो क्या करेंगे वैसे अभी, क्या करेंगे अभी? चिल मारेंगे, चिल काइंड ऑफ गाय, किल काइंड ऑफ गाय। हेलो गाइस, ये डिमांड में भाई, ये डिमांड में हर ग्रुप से इसको आ रहा है ऑफर, डिमांड गाय इन द डिमांड। रूम में चले, रूम में चलते हैं ना पहले। ओके ओके, चलो चलो। हेलो गाइस, हम ये वॉलीबॉल खेल रहे थे अभी और ये भाई आए हैं, बोल रहे हाइकिंग के लिए जाते हैं, तो चलो जाते हैं। और लुक एट दिस लिटिल गाय केम टू प्ले विद अस, हाय से हाय, हाय थोड़ा थोड़ा शिला जी, सो नाइस गाय, फोटो क्लिक करता हूँ, चलो मैं वीडियो बंद करता हूँ गाइस। हेलो गाइस, टाइम क्या हुआ है? टाइम 3:15 हुए हैं और हम जा रहे हैं हाइकिंग पे, प्रोबेबली हाइकिंग पे, डोंट नो, देखो एज तक भी पहुँचे तो बड़ी बात है। और ये इतने जने जा रहे हैं और बाकी पीछे एक दो आ रहे हैं। चलो लेट्स टेक यू समवेयर आउट। और ये या ये मिस हो गए हमारे छोटे भाई, टीम को गाइड कर रहा है। हाँ, हमारे फिर से अगेन द नेविगेटर। सो अबे बारिश नहीं हो रही है। हेलो, फीलिंग बता रहा हूँ, किसको कनेक्ट कर रहा है इधर यार, कृष्णा यहाँ है। सो गाइस, हमने एक शॉर्टकट लिया है, कोई नहीं जो अपेरेंटली शॉर्टकट लिए डिटोर हो गया हमारा। अरे वो भाई पीछे छोड़ जाओ, कभी ध्यान रखो, कौन है भाई? भाई जल्दी आ, पीछे रह जाएगा। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द माउंटेन, लेट मी गिव यू क्विक व्यू, ये वाले माउंटेन जो मैं हमेशा देखता रहता हूँ, ब्लॉग में दिखाता रहता हूँ, आज हम उसकी तह तक जाके रहेंगे, उंगली करेंगे माउंटेन को। सो आज माउंटेन हमारे कदमों के नीचे होगा, इन कदमों के नीचे। अपन किसी लोगों के पास जाके बोलते, टेंसोम प्लीज, टेंसोम। मंजिल सामने है हमारे यही, ये देखिए हम बहुत क्लोज आ चुके हैं माउंटेन के, बर्फ तो बहुत बहुत ऊपर है, उधर इतना ऊपर तो हम नहीं जा सकते, हम इसका 1/4 क्या थोड़ा भी चढ़ लें वो भी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ तो खाने में हालत ख़राब हो चुकी है, थक चुके हैं भयंकर, पर एटलीस्ट चलो एज तो टेस्ट करके आए इसका। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन
सही लोग यहाँ पता नहीं क्या बेरीज दिख गए, यहाँ पे रुक गए, क्या अच्छा है नहीं खराब है तो क्यों दिखाए फिर। अभी जस्ट मैंने पीछे की तरफ देखा फोटो खींचते खींचते, आपको दिखाता हूँ पीछे का व्यू, ये देखिए पूरी सिटी को यहाँ से मैं क्या लग रही है, मुझे नहीं पता व्लॉग में सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं ब्राइटनेस कम करके भी शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट रियल लाइफ व्हेन वी सी इट फ्रॉम आवर नेकेड आईज इट्स सो फ्रीकिंग गुड लुकिंग, यू कैन जस्ट सी द ट्रीज ऑल ओवर all the yellow and the red you just see like the trees are incinerating it's on running fire main kuch zyada overacting kar raha hu aap chupchap wahan dekh lijiye chupchap ji respectfully wahan dekhe kitna acha lag raha hai aur idhar to acha lag hi raha hai aur hamare dost abhi tak aaye nahi hai tab wo aayenge ha finally un logon ne apni shakal dikhai agar aapko dikh raha ho to pata nahi dikh raha hoga ab wo aaye to hum aage badhe let's see देखिए इतना कीचड़ से बचते हुए जाते हैं क्योंकि दो दिन इतनी बारिश हुई है कि हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है और यहाँ पे शायद पाइपलाइन खुद रही है क्या हो रहा है पता नहीं पर सब जगह कीचड़ हुआ हुआ है और वी आर स्ट्रगलिंग थ्रू इट गाइस कैन यू सी आवर डेडिकेशन प्लीज सी इट प्लीज सो गाइस फाइनली ये फोर मस्केट थ्री मस्केट टीयर्स नहीं तुम चार जने थे ना, हाँ जी चार जने आ गए हैं और अब हम बढ़ रहे हैं आगे किसी ने हमला कर लिया तो पता नहीं देखते ऐसे कुछ करेगा नहीं। हम जा रहे हैं आगे, आई एम रियली फ्रीकिंग एक्साइटेड राइट, बस बढ़े जा रहे हैं। मैं कैमरा फ्रंट कैमरा चालू कर रहा हूँ, अब वो देखिए व्यू देखिए फ्रंट कैमरा से, गोबर भी देखिए इतना गाइस, वो लोग इतना ऊपर पहुंच चुके हैं और मैं अकेला इतना नीचे हूँ। पहले ये व्यू देख लीजिए कितना ऑसम लग रहा है गाइस, ऑसम लाइक अमेजिंग। और अभी मुझे उन तक पहुँचना पड़ेगा, बहुत स्लोपी रास्ता है तो मैं इसको व्लॉग तो नहीं कर पाऊँगा, आई नीड टू यूज बोथ माई हैंड। हेलो गाइस, फाइनली वी आर ऑन द टॉप एंड मेरा दम निकल चुका है बिल्कुल ही। हाँ भाई ये आया सबसे पहले, जस्ट लुक एट इट मैन, just look at it, so I'm fucking exhausted, so exhausted। पानी लेकर आना साथ में, मेरा पानी सूख जाएगा पर आते आते। Seriously man, just look at it, just look at it। Oh man, I exhausted myself for this view and it's totally worth it। Oh guys, finally we here। ये लोग फोटो शूट कर रहे हैं, ग्रुप फोटो ले रहे हैं। But I am so obsessed with this view, I'm so freaking obsessed with this view, just look at it, oh man, just kitni baar is baat ko bolunga but I can't get over this। Abhi itni photo shoot reels banane ke baad hum ja rahe hain upar ki taraf kyunki do bhai already upar ja chuke hain aur do bhai hamare wo baithe niche, तो मुझे समझ नहीं आया किधर जाना चाहिए बट मेरा मन ऊपर जाने को कर रहा है तो मैं ऊपर जा रहा हूँ और मैं अभी ऊपर जाके आपको और अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाता हूँ। अरे भाई यहाँ पे पैक बनाते हुए इतनी ठंड में पी रहे भाई, कैसे पी लेते हो तुम लोग, कैसे कर लेते हो तुम लोग ऐसे, ना 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 ब्रो ना ब्रो नहीं ते गाइस, हम इतना ऊपर आ चुके हैं वहाँ से और हमारे दो बंदे जो आगे निकले थे पता नहीं कहाँ गए यार, मिल ही नहीं रहे। हो ये लुढ़क उड़क तो नहीं गए, कहाँ गए यार, ऐसे ढूंढना पड़ेगा उनको, पता नहीं कहीं घूम हो गए। अभी हम वहाँ से बहुत बहुत ऊपर आ चुके हैं, अभी पहले उनको ढूंढते हैं। पंकज पंकज कहाँ खो गए ये दोनों, मिल ही नहीं रहे, पता नहीं वो दोनों लड़के कहाँ चले गए, और हम ये वरी डे रेफ पता नहीं किधर चले गए वो दोनों, और हम कांटों के अंदर से निकलते हुए जा रहे हैं, पता नहीं वो दोनों कहाँ, पंकज रुक तो नहीं गए सच्ची में भाई, साले अरे यार साथ में बोला था चलने के लिए इनको,
वो फाइनली हमें मिल गए, पता नहीं इतना ऊपर कहाँ चले गए ये दोनों। हो अब तुम रुको भाई, गाइस हम पता नहीं कितने ही ऊपर आ चुके, अब तो रास्ता भी नहीं दिख रहा। अब इस रास्ते से हमें इतना इधर से घूम के ऐसे नीचे जाना पड़ेगा। आपको व्यू दिखाता हूँ, ओह माय गॉड जस्ट लुक एट इट। और हाँ वो दो बंदे मिल चुके हैं, पहले ऊपर आके झाड़ियों में छुप गए, पता नहीं क्या कर रहे थे। सो अब हम जा रहे हैं आगे। भाई बात तू बहुत दूर है, पास आना पड़ेगा। अच्छी अच्छी यहाँ पता इंसान तो दिख नहीं रहे, गायों के इतने सारे गोबर किए, गाय कहाँ से आ जाती है तो ऊपर। हम तो दोनों हाथ यूज रचो दे आर क्वाड्रालिम्ब एनीवेज। सो हाँ सबसे पहले पंकज गोयल आया पीजी, और हाँ अभी बस अभी हम नीचे जाने की तैयारी। मेरे सर से इससे ऊपर अब नहीं जाया जाएगा, बस बर्फ तो पास में, पास नहीं तो बहुत दूर है। सच्ची में पूरा चले ना 2-3 दिन निकल जाएंगे, लिटरली वी आर टायर्ड। हमें 3 घंटे हो चुके ऑलरेडी ऊपर आए हुए, नीचे जाने में भी इतना टाइम लगेगा। और हमारे हॉस्टल वो दिख रहा है बड़ा वाला, हाँ ये एग्जैक्टली ये है हमारी हॉस्टल। यहाँ पे इतना दूर में वापस जाना पड़ेगा, मैन अब जैसा पड़ेगा, क्या कर सकते। हेलो गाइस देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ऐसा मन कर रहा है ये टेंट लगा के रात को रुक जाए, पर अगर रुक गए तो सुबह तक हाइपरथर्मिया हो जाएगा हमें। सो वी नीड टू गेट डाउन। और वैसे अभी स्लोप वाला एरिया है तो एकदम वो हाइक नहीं है, एकदम स्लोप है, तो वी कैन इजीली गेट डाउन। मज़ा आएगा जाते वक्त भी। हाँ अभी तो फर्स्ट वीक है, अभी तो पूरा साल है भाई ना, साल में देखते हैं। और वैसे आज हमें पता चला सब तरह का वैसे किर्गिस्तान का सब ब्लॉक दिया जाएगा, हाँ सब सारा व्यू दिया जाएगा किर्गिस्तान का। और आज हमें पता चला कि जनवरी में यहाँ टेम्परेचर जाएगा -15 -20 तक। सो गाइज बी प्रिपेयर फॉर इट, बी प्रिपेयर फॉर सच अ व्यूज। यस अभी तो स्नो बाकी है, स्नो फॉल में आपको दिखाते असली किर्गिस्तान। सो बी विद अस, सी या चा चा चा। सो गाइस अभी हम नीचे उतर रहे हैं इस ग्रुप में, हमें रास्ता नहीं पता, बस पाइपलाइन के पाथ पे चल रहे हैं। हम आपको आगे वाला व्यू दिखाता हूँ, मैं ये आगे वाला व्यू देखिए गाइस। हाँ हम इस पाइपलाइन के पाथ पे है अभी भी। सो देखते हैं रास्ता खुलता है या नहीं खुलता है, क्योंकि वी आर ऑन अ टोटल हिंज, हमें कोई आइडिया नहीं है कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। हम आए वहाँ कहीं से थे और जा यहाँ से रहे हैं, और वो सब कहाँ गया इस अल्फेद के कहने पे। और अभी हम जा रहे हैं एनीवेज। क्या हो बलवीर, गिर गया बलवीर, बालवीर ओ भाई वहाँ तक पहुँच गया। नहीं भाई सबके शूज उसके जैसे नहीं है, ध्यान रखना सबके शूज नहीं उसके जैसे। चलते चलते लेट्स गो गाइस। फाइनली वी आर एट द ग्राउंड। देखिए आप नीचे आ गए हैं घरों तक, इतना ऊपर पता नहीं कितना ऊपर से कहां कहां से आए। और मेरे शूज देखिए आप, स्पोर्ट शूज थे, बाकी सब ने आके लोकल शूज़ खरीद लिए थे, वो पहने रहते फिर हालत ख़राब हो गई इनपोर्ट शूज में, शूज ट्विस्ट हो जाते, सोल निकले जा रहा था। और हमें ऐसे सैडल होकर आना था, और बहुत मुश्किल से हम आए, हालत ख़राब हो गई मेरी, तो ये सब निकल गए। हमें पीछे से धीरे धीरे करता करता आया, और फिर एकदम से वो स्पीड तेज़ हो गई, रुकी नहीं आगे। 3 जनों ने रुके मिल के मुझे रोका, रुके नहीं मिल के मुझे रोका। और अभी हम वापस जा रहे हैं कैंप की तरफ, नहीं कैंपस की तरफ, सॉरी क्या मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ जा रहा है। सो यस गाइस सी यू एट द कैंपस नाउ। बस ये था माउंटेन ब्लॉग ना, एक आखिरी व्यू दिखा देता हूँ आज का यहाँ का। गाइस फाइनली बैक टू द कैंपस, ये देखिए। और अभी थक चुके हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब अभी तो रियलाइज नहीं हो रहा, पैर तो दर्द नहीं हो रहे, पर धीरे धीरे तो बहुत दर्द होने वाला है रात को। रास्ते में वी हैड फ्यू चीटोज, फाइनली आई हैड चीटोज एंड या अभी बस दैट इज इट। आज का ब्लॉग यही था, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द ब्लॉगिंग डॉग। चाओ।